बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 1 नवंबर, साल है 2021। एक नहीं सभी गए, इस खबर की तफसीलात क्या है आपके साथ थोड़ी में डिस्कस करूंगा। खबर क्या ही है, क्या ब्रेकिंग न्यूज है, तमाम तर चीजें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साले के नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर कुछ यू है कि नैब कवानीन में एक और तरमीम, धोखाधड़ी फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द। न्यूज के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी की जानब से नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी के बाद नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सपोर्ट कर दिए गए हैं। 6 अक्टूबर से पहले के किए गए फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, मरियन नवाज को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात जो हैं वो जारी रह सकेंगे और केसेस दोबारा नैब के सपुर्द कर दिए गए हैं। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो जमानत का तयन का इख्तियार इंसाफ अदालतों को होगा, जबकि इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब के ओहदे से हटाने का इख्तियार सदर मुमलकत के पास होगा। नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 4 साल होगी। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो जजिस की बतरफी के लिए है। इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। दूसरी जानब वाजह किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल 6 अक्टूबर से पहले शुरू केसेस साबका ऑर्डिनेंस के तहत ही जारी रह सके। याद रहे कि 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस जारी होने से नैब कानून में अबहाम सामने आए थे, जिसके बाद वजारत कानून ने नैब ऑर्डिनेंस की वजात के लिए कमेटी तश्कील दी थी। 6 अक्टूबर को हुआ था, आज है 1 नवंबर, तो अब से ये जो ऑर्डिनेंस है ये बकायदा तौर पर जो एक यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एक नया ऑर्डिनेंस मंजूर हो चुका है। अब जो तमाम तर इख्तराहत हैं वो सदर मुमकत यानी कि आरफ अलवी के पास है, वो चाहेंगे तो जो चेयरमैन नैब है वो जाएगा। और ये जो तमाम तर जिन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये इन लोगों के ऊपर केसेस चलते रहेंगे और किसी को कोई जमानत नहीं मिलेगी, तो एक नहीं सबकी छुट्टी होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।